हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज एक बार फिर से ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ चुके हैं, कॉन्सेप्टुअल वीडियो लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जो आपका पूछा गया था बीसीसीएलई में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसका लेके आ गए हम लोग वीडियो। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एक्स 14x 7x वही एक्स का आपका मान पूछ रहा है। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानना जरूरी है। आंसर देख सकते हैं 0 1 बटा 5 सी में 5 डी में 1। तो आपको वहीं चार ऑप्शन रहेगा, उसी में से एक को टिक करना है। तो आप लोग कैसे टिक करिएगा, बिल्कुल कैसे बनाइएगा, जो कॉन्सेप्ट से जानते हो वो भी इस वीडियो को देखें, जो कुछ नहीं पढ़े वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारे सारे ट्रिक्स का वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा नंबर आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कैसा अप्रोच लगाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग देखें। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर जो दिया गया वहाँ यहाँ पर आसानी से आप लोग लिख लीजिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हम लोग किस प्रकार करते हैं। 7 0 1, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं -x 0x, 14x 1 4x, 7x 0 -2x। अब बात आती थी किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वहाँ पर हम लोग जब फुल डिटेल क्लास आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपली डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए, अब आगे सारे एलिमेंट 0 होनी चाहिए। क्या बच्चों, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं। प्रिंसिपली डायगोनल का वैल्यू 1 होना चाहिए, अब बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, सभी को समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो नहीं पर है मेरे से वो पहला क्लास करें, वो सुन लिए एक बार फिर से। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपली डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब यहाँ से आपको क्या ट्रिकी अप्रोच लगाना है वो सुनिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाए थे, वहाँ पर ध्यान कीजिए आप लोग। तो क्या यहाँ से देख सकते हैं, इसका आपका रो कॉलम लेना है तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं एक्स का ही मान यहाँ पे पूछा गया है, 2 माइनस x यानी -2x +0 × 0 = 0, 7 × x 7 बराबर किसके बराबर है, 1 के। बस यहाँ से मान निकाल लेना, -2x + 7x यानी 5x बराबर 1। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना गया, 1/5। बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर टिक कर लेंगे हम लोग, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 1 से 2 मिनट के वीडियो में हम लोग देख इसी तरह से 5 से 10 सेकंड में आप लोग ट्रिक निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आपका अपलोड होगा तो घंटी का बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ट्रिक के साथ। और कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में आपको, तो वो टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे हो सके तो आपको वो टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, अपना डाउट जरूर कमेंट करें।